आज हम बनाएंगे पैटिस, जो बाजार वाले पैटिसों से भी ज्यादा टेस्टी है, इन्हें हम आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें एक कटोरी मैदा डाल लेंगे। ये एक कटोरी मैदा इसमें मैंने डाल लिया है। अब इसमें हाफ चम्मच से कम मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी, दरदरा पिसा हुआ। थोड़ी सी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे। देखिए मैं हाथ से क्रश करते हुए इसको इसमें डाल दूंगी। हाफ चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। हाफ चम्मच इसमें हम कलौंजी डाल देंगे। दो चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे। अब सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। पहले सारी चीजों को हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करना है, और जो इसमें हमने तेल डाला है उसको भी मैदा में हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से इसमें मिक्स करना है। ये देखिए हम मुट्ठी बनाकर देखेंगे। ये देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब है अच्छे से इसमें तेल मिक्स हो गया है। अब इसमें हम हल्का सा गुनगुना पानी डालकर इसको आटे की तरह इसका एक डो बना लेंगे। इसका डो हमें न तो ज्यादा टाइट बनाना है और न ही ज्यादा सॉफ्ट बनाना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे। ये देखिए आटे को हमें अच्छे से गूंथना है। ये देखिए हमारा आटा अब अच्छे से गूंथ गया है। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए न तो ये ज्यादा सॉफ्ट है न ज्यादा ये टाइट है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम प्याज लेंगे, 3 प्याज ये ले ली है मैंने, और इनको हम काट लेंगे। प्याज को हम काट लेंगे लंबी लंबी स्लाइस में, पतला पतला हम काट लेंगे इसको। और पत्ता गोभी को भी हम काट लेंगे बारीक बारीक। ये देखिए मैंने हाफ पत्ता गोभी ली है, इसको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। हरी मिर्च को भी हम काट लेंगे। हमारे धनिया को भी काट लेंगे बारीक बारीक। इन सब चीजों को हम पहले तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है, उसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेंगे और थोड़ी देर उसको गर्म होने देंगे। अब ये देखिए तेल गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज डाल देंगे। और इनको एक बार हम हिला देंगे। ये देखिए प्याज हल्के हल्की लाल हो गई है, हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम जो हमने पत्ता गोभी, हरा धनिया और हरी मिर्च काटी थी वो इसमें हम डाल देंगे, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे हम इनको। ये देखिए ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई, बस इतना ही हम इनको पकाएंगे। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये देखिए मैंने हाफ चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। एक चम्मच मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल दूंगी। एक चम्मच इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। फिर इसमें हम 2 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारे आटे को भी रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अब इसको एक बार हम हाथ से मसल लेंगे।
अब इसके हम छोटी छोटी लोइया बना लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हम इसकी छोटी छोटी लोइया बना लेंगे। ये देखिए इसकी मैंने छोटी छोटी लोइया बना ली है। अब ये देखिए मैंने एक थाली ले ली है, इस पे हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब इस पर हम एक लोई रखेंगे और उसको बेल लेंगे। इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको मैं चारों तरफ से इसके किनारे काट दूंगी और एक स्क्वायर शेप में इसको हम बना लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से इसके किनारे मैंने काट दी है। इस किनारे को हम अलग रख देंगे, बाद में यूज करेंगे। और अब इस पे हमने जो ओनियन और पत्ता गोभी का जो पेस्ट बनाया था वो हम इस पे रख देंगे। और ये देखिए इसके कोने दोनों कोने एक दूसरे से मिला देंगे और इधर से भी इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। ये देखिए ऐसे करके इसको हम बंद कर देंगे। और जो ये साइड में है इनको हम हाथ से अच्छे से चिपका देंगे ताकि जो हमने अंदर ओनियन का पेस्ट भरा है वो निकले ना। ये देखिए अच्छे से इनको हमें चिपका देना है हाथ से। ये देखिए हमारा एक पैटिस बन गया है। अब ऐसे ही हम सारे पैटिस बना लेंगे। ये देखिए एक तैयार हो गया है, ऐसे ही सारे बना लेंगे हम। ये देखिए हमारे सारे पैटिस तैयार हो गए हैं। ये देखिए अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने फ्राई पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें हम अपने पैटिस फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए इसमें मैंने पैटिस रख दिए है और हमारा तेल भी ज़्यादा गर्म नहीं है, मीडियम से भी कम गर्म है। तो हमें थोड़े कम गर्म तेल में इनको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए अब इनको हम पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से हमारे पक गए हैं, अब इनको हम दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमें इनको अच्छे से पका लेना है और तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म रखना है। ये देखिए हमारी दोनों तरफ से पक गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे पैटिस बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमारे सुपर टेस्टी पैटिस बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही कुरकरे और टेस्टी भी बने हैं। ये देखिए दोस्तों मैं इनके अंदर की फिलिंग भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं और ये बने भी बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार आप भी जरूर इनको बनाकर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।